अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम टू माय पार्ट टू व्लॉग ऑफ डाइवर एक्सप्रेस स्लीपर बस अगर आपने पार्ट वन अभी तक नहीं देखा तो पार्ट वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है हमारा आधा सफ़र हो चुका है इस टाइम हम मौजूद हैं सखर बस टर्मिनल पर मुल्तान टू तो सखर मोटरवे फॉलो करते हुए हम लाहौर से कर लाहौर से कराची की तरफ रवाना है और इस टाइम बहुत शदीद बारिश हो रही है सखर में और आ, सुनने में आया कि मुख्त इलाक़ों में सैलाबी सूरत हाल है तो इस टाइम बस रुक, रुकी हुई है यहाँ पर और सखर बस टर्मिनल पर बस रुक चुकी है इधर सफ़ाई का अमल हो रहा है और ज़ाहिर सी बात है थोड़ा टाइम लगता है थोड़ा ब्रेक होता है सक्कर बस टर्मिनल पर तो यहाँ पर खाना भी प्रोवाइड किया जाता है तो क्या खाने में प्रोवाइड किया जा रहा है हमें तो वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे ये आप कुछ मनाजिर देख सकते हैं डाइवर एक्सप्रेस की जो है हमारी जो स्लीपर बस है उस टाइम बहुत तेज़ बारिश हो रही है सखर में और यही सूरत हाल है तमाम ही सिंध में मुख्तु सैलाबी सूरत का सामना है तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे सफ़र कहाँ तक चलता है और कैसे चलता है में यहा है कि अब ये इसके बाद जो है ये मेन शहरों से कहीं साइड से छोटी मोटी रोडों से लेते हुए जाएंगे क्योंकि कराची टू तो हैदराबाद मोटरवे भी, भी फॉलो नहीं कर रही और सखा टू तो हैदराबाद जो हाईवे है वो भी कोई फॉलो नहीं कर रहा तो अब जो है नॉर्मल रूट से ही जा रहे हैं जिनसे पहले जाया जाता था तो करेंट फ्रेंड्स ये हमारे हमें प्रोवाइड कर दिया गया है डाइवो एक्सप्रेस की मैनेजमेंट की तरफ से इस होटल में आ, हमें प्रोवाइड कर दिया गया खाना तो अभी हम आपको बॉक्स अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं कि खाने में क्या है तो ये देख सकते हैं चिकन बिरयानी ये कंपनी की तरफ से डाइवो एक्सप्रेस की स्लीपर बस में प्रोवाइड की गई है टिकट की बात की जाए तो अगर आपने पिछले वो नहीं देखी तो सात टिकट है ये देख सकते हैं शक्कर बस टर्मिनल यहाँ पर और भी बेकरी के आइटम मौजूद हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बेकरी के आइटम और दीगर फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं तो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं आप बिरयानी नहीं खाते या बिरयानी आपके लिए इनफ नहीं है पर पैसेंजर ये बिरयानी का बॉक्स प्रोवाइड किया जाता है तो ये कुछ मनाजिर देख सकते हैं फ्रेंड्स डैव एक्सप्रेस के स्लीपर बस के इंटीरियर के खाना हम खा चुके हैं अभी हम दोबारा अंदर आए हुए हैं और थोड़ा अभी बस खाली है तो हमने सोचा कुछ रिव्यूज पेश करें थोड़ा और शॉर्टली तो थोड़ा सा शॉर्टली आपका आपको बस भी दिखा देते हैं ये देख सकते हैं आप डाइवो एक्सप्रेस की स्लीपर बस आ, ये डाइवो की स्टेरिंग है और ड्राइवर सीट है पीछे के साइड पे फॉर्म है और ये आप देख सकते हैं इसके दीगर ऑप्शंस डाइव एक्सप्रेस के स्लीपर बस दिन में चार दफ़ा चल रही है लाहौर से कराची और कराची से लाहौर के लिए इसके अलावा कराची से इस्लाम आबाद के रूट पर भी चल रही है सात हज़ार नौ सौ पचास का टिकट है ये देख सकते हैं आप फ्रिज भी अवेलेबल है और अभी तमाम सीटें ज़्यादातर खाली हैं लोग बाहर के साइड पर गए हुए हैं तो अभी आप शॉर्टली सा हम आपको रिव्यू पेश कर देते हैं ये देख सकते हैं इस तरह के डबल बेड है बड़े साफ़ सुथरे बड़ी अच्छी बेड शीट बड़ी सफ़ाई सुथराई का ख्याल रखा हुआ आराम से आप लेट कर सफ़र कर सकते हैं दो तके भी प्रोवाइड किए जाते हैं चार्जिंग की फैसिलिटी है लैपटॉप वगैरह और सामने एल सी डी देख सकते हैं आराम से कंटेंट देखें वो कप का फोल्डर में आपको ग्लास भी नजर आ रहा होगा तो अगर आप लेटे लेटे थक जाते हैं तो पीछे की साइड पर आपको सीट्स नजर आ रही होंगी नॉर्मल बस पैसेंजर्स की आप नॉर्मल बस पैसेंजर्स की सीट पे भी बैठ सकते हैं इसका कोई टिकट नहीं होता आप अपना एक टिकट परचेस किया हुआ है तो इधर भी आप बैठ कर कोई भी अगर आप खाना पीना चाहते हैं या फिर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं मोबाइल देखना चाहते हैं तो यहाँ पर बाहर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर भी एल अवेलेबल है आपको जो हेडफोन्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे तो वो भी कर सकते हैं तो बात यह है कि बिरयानी से हमारा थोड़ा पेट नहीं भरा था तो हमने सोचा क्यों ना हम सैंडविच भी ले लें तो हमने सैंडविच भी ले लिया था तो सैंडविच भी आप परचेस कर सकते हैं सैंडविच परचेस कर लिया था आप रेस्ट एरियाज जितने भी हैं इनके बस टर्मिनल हैं वहाँ पर तमाम बेकरी के आइटम जिंगर बाजूक़ा चिकन तिक्का भी मिल रहा होता है इस तरह के तमाम आइटम्स आप परचेस कर सकते हैं तो हमने सैंडविच ले लिया था इसके साथ बॉटल ले ली थी स्प्राइट की और केचप प्रोवाइड किया गया है तो इस तरह के हल्के फुल्के आइटम्स अगर आप ज़्यादा खाते हैं आपके लिए इनफ़ नहीं है क्योंकि वो थोड़ा रिफ़्रेशमेंट बॉक्स में होता है एक मिलता है और बस उसके बाद बिरयानी मिलती है तो कुछ लोगों के लिए वो इनफ नहीं होता तो हमने एक्स्ट्रा चीज़ें परचेस कर ली थी अब हम इस टाइम सो रहे हैं तो अब सुबह ही मुलाकात होगी आपसे तो फ्रेंड्स अब सुबह हो चुकी है और ये देख सकते हैं आप हालात सिंध के बहुत ही बुरे हालात हैं सैलाब आया हुआ है और पानी पानियाँ चारों तरफ आ अभी ट्रेनस चल रही हैं ट्रेन्स के भी आप मनाजिर देख सकते हैं इस टाइम बहुत ही बुरे हालात हैं सिंध के बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं बारिशों की वजह से सैलाब आ चुका है और सैलाबी कैफियात हैं तो ये जो है हमें बिल्कुल मेन शहर नवाबशाह से लेकर जा रहे हैं वरना जो नॉर्मल रूट्स है उससे अवॉइड करते हुए लेकर जा रहे हैं तो हमारी जर्नी बहुत लंबी होने वाली है क्योंकि काफ़ी इशूज़ आए हुए हैं सारी जो है रोड नेटवर्क का बहुत बुरा हाल है मोटरवेज भी बंद है तो अब ये मेन शहर से गलियों से रोडों से लेते हुए हमें लेकर जा रहे हैं आ, तो ये सूरत हाल है बड़ी ख़तरनाक किस्म की पंजाब में सिंध में के पी के में हर जगह जो है बहुत सैलाबी सूरत हाल है जगह जगह तीन से चार फुट जो है मेन रोड पर भी पानी खड़ा हुआ, हुआ है तो इस तरह बहाल गाड़ी बड़ी मुश्किलों से निकल रही है कुछ कभी गलियों से कभी रोड से तो इस तरह करके सफ़र हमारा कंटिन्यू हुआ हुआ है डाइवो एक्सप्रेस के स्लीपर बस में तो आप ये चीज़ें ज़रूर कंसिडर करें अगर अभी आप ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं कि हालात बहुत बुरे हैं आ, तो काफ़ी ज़्यादा इशूज़ आ सकते हैं काफ़ी सारे ऐशूज़ आप फेस कर सकते हैं तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें यह आप देख सकते हैं ये बटन हैं यहाँ बटन्स प्रेस करके आप लाइट्स वगैरह ओपन कर सकते हैं और अगर लाइट आपने क्लोज़ करनी है रात का टाइम है आप सोना चाहते हैं तो आप दोबारा बटन प्रेस करें तो लाइट ऑफ हो जाएगी इसी तरह इस ए सी कंट्रोलिंग बटन है से आप अपनी ए सी अपनी मर्जी के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं क्लोज करना है थोड़ा स्लो करना है तो इस तरह के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं ड्राइवर स्प्रेस के स्लीपर बस में इस पर मैं काफ़ी सफर कर चुका हूं लेकिन अभी रिसेंटली बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद जो है ये मेरा पहला सफर है वैसे सात से आठ मिनटों बाद सफर कर चुका हूं तो ये बाहर आपके मनाजिर देख सकते हैं बहुत ही बुरे हाल है सैलाब की कैफियत है तमाम शहर में मेन रोड्स पे भी पानी जमा है गलियों में भी पानी जमा है और बहुत ही बुरे हालात है अल्लाह ताला इस आफत से पाकिस्तान को बचाए और जितने भी लोग जो हैं अपने घरों से महरूम हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको बेहतरीन नमदलता फ़रमाए बहुत सारे लोग मवेशी जो भी उनके सोर्स ऑफ इनकम होता है वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे खौफनाक जो है एक सानिया हुआ है जो इस दफ़ा सैलाब आया है आ, ये देख सकते हैं आप यहाँ से मुख्तलिफ किस्म के चार्जिंग पॉट भी होते हैं आप चार्जिंग भी कर सकते हैं आराम से और बाकी दीगर ऑप्शन सीट्स के नंबर भी डिजिटली लिखे हुए होते हैं तो ये सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल होते हैं सिक्सटीन टू सेवेंटीन नंबर हमारी सीट्स हैं आ, फाइनली हम एक बजे के करीब हमारा ये है कि हम पहुँच जाएंगे थोड़ा दो तीन घंटे डिले हुआ है वो सिर्फ सैलाबी कैफियत की वजह से क्योंकि कराची टू हैबाद मोटरवे में इशूज़ आए हुए हैं और हैदराबाद टू सखर की जो मेन नेटवर्क है उसमें भी इशूज़ आए हुए हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा आ, लेकिन फाइनली अब हम कराची जो मेन इनका डायबो एक्सप्रेस का टर्मिनल उधर पहुँचने वाले हैं तो जैसे ही हम पहुँचते हैं तो आपको शॉर्टली थोड़ा सा हम रिव्यू पेश कर दें कि डायबो एक्सप्रेस की स्लीपर बस में अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो ये टोटल पंद्रह घंटे का सफ़र था जो कि सत्रह अट्ठारह घंटे का हो गया क्योंकि कि अभी इशूज़ आए हैं वैसे पंद्रह घंटे का होता है मैं सात से आठ मिनट तक पहले भी सफर कर चुका हूँ डबल बेड सिंगल बेड सुकून से लेट कर जाएँ आप अभी वो इंसिडेंट हुआ है ड्राइवर एक्सप्रेस का ऑब्वियसली तो उसकी वजह से लोग काफ़ी खौफजादा हैं अभी भी कि, कि कुछ ही दिन पहले वाक़ा हुआ है लेकिन फिर भी सीट्स मुकम्मल तौर पर फुल आ रही हैं इस तरह के इंसिडेंट हर बस कंपनी के साथ हो सकते हैं हम उम्मीद करते हैं इसके ऊपर भी काबू पाया जाएगा और इसके जो मेन जो है उसके काज़ मालूम करने की कोशिश की जाएगी तो बड़ा अगर आपको डाइव एक्सप्रेस स्लीपर बस में सफ़र करना है तो ये आपने शॉर्टली रिव्यू देख लिया बस के इंटीरियर हमने आपको शो कर लिया बस में खाने में क्या मिल रहा है सारी चीज़ें आपने देख ली तो आप इस हिसाब इस से अगर आपको पसंद आए हैं इसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ तो आप डाइव एक्सप्रेस के किसी भी बस टर्मिनल से जाकर पूछ सकते हैं किसी भी ऑफिस से पूछ सकते हैं कि डाइव एक्सप्रेस के स्लीपर बस में हमें कराची से लाहौर या फिर कराची से इस्लाम के लिए सफ़र करना है और कराची के सौराब को बस टर्मिनल से आप सफ़र अपना स्टार्ट कर सकते हैं तो फाइनली बहुत मुश्किल से नवाबशाह में बहुत इश्यूज़ आए और छोटे मोटे शहरों में बहुत इश्यूज़ आए पानी मेन रोड्स पे जमा था गलियों में पानी जमा था बड़ी मुश्किल से निकालते निकालते स्लोली स्लोली हम आए हैं तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं सैलाबी रेला है सैलाब आया हुआ है मेन रोड्स का भी बुरा हाल है हर जगह पर जो है बहुत बुरे हालात है तो आप अगर अपना प्लान कर रहे हैं तो इस हिसाब से प्लान करें थोड़ा सा आप लेट होगा आप जहाँ पर भी जा रहे हैं जिस भी बस पर जा रहे हैं उसमें आपको काफ़ी इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे तो अभी बरहाल हम डाइवो एक्सप्रेस के जो मेन बस टर्मिनल हैं उसमें कुछ देर में पहुंच जाएंगे तो डाइवो एक्सप्रेस के साथ हमारा एक घंटा हमारा जो सफ़र है पंद्रह घंटे का था लेकिन इस अट्ठारह घंटे में हमारा कम्प्लीट हुआ है वो भी मैं समझता हूँ कि तीन घंटे जो डिले हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि एक तो हमने मेन रूट ही फॉलो किया क्योंकि मेन रूट में बहुत बड़ा इशूज़ आया हुए हैं फ्लड की वजह से अब वो गली मोहल्लों और रोड्स और इस तरह की जगहों से तीन तीन चार चार फुट पानी था हर जगह पर तो इस तरह से वो ले लेते हुए आए हमें तो आप ये डाइवो एक्सप्रेस के जो है कराची टर्मिनल में हम पहुंच चुके हैं हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि जो भी डाइवो एक्सप्रेस की स्लीपर बस में सफ़र करना चाहता है वो इसका इंटीरियर एक्सटीरियर इसके कॉस्ट और दीगर चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से जान सके और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए इन शाला तला जल्द वर्ल्ड रिव्यूअर पर मज़दीद कुछ बसेस के और ट्रेन और एयरलाइंस के रिव्यूज़ आएंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो ये आप देख सकते हैं डाइवो एक्सप्रेस का बस टर्मिनल आ चुका है और ये आप देख सकते हैं डेवो का मेन कार्गो एरिया और मेन जो एरिया है जो कराची बस से है तो इधर भी काफ़ी कम रश है लोग काफ़ी कम ट्रैवल कर रहे हैं काफ़ी इशूज़ आए हुए हैं रेन की वजह से तो बहरहाल कुछ बसेज़ बसे बसे आ रही हैं बसेज़ तो ऑलमोस्ट फुली आ रही हैं लेकिन न्यू जो पैसेंजर्स हैं वो थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं ये जो सैलाबी कैफियत है इसकी वजह से हम उम्मीद करते हैं सैलाब में जिन लोगों बेघर हो गए हैं अल्लाह ताला उनको बेहतरीन नमुल बदल अदा फरमाए और अल्लाह ताला उनके नुकसान का बेहतरीन अजाला करे अब तक के लिए इतना ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इन मिलते हैं बहुत जल्द कुछ मजीद बसेस के ट्रेन के रिव्यूज़ के साथ कुछ एयरलाइंस के रिव्यूज़ के साथ कुछ एप्लीकेशन के रिव्यूज़ के साथ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाफ़